तो दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आए हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बताने वाले हैं आपको सॉटेड वेजिटेबल कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए स्टार्ट है। सबसे पहले हमारे पास ये बीन्स है, ये गाजर है, ये जुगनी ग्रीन येलो है, ये ब्रोकली है, ये बेबी कॉर्न है, ये बेल पेपर है, ये मशरूम है। और इसके बाद हम ये जितनी भी सारी सब्जी है हम इसको ब्लांच करते हैं, और कुछ इस तरह से हम इसको ब्लांच करते हैं। ये हमारा रोल मॉडल के जब पानी गर्म होता है एकदम, तो हम इसमें ब्लांच करने के लिए सब्जी इस तरह से डाल देते हैं। और हमारी सब्जी सिर्फ एक मिनट में ही ब्लांच हो जाती है। इस तरह से ये हमारी सब्जी ब्लांच हो चुकी है। और अब हम ये सब्जी निकाल देते हैं। और निकालने के बाद हम इस सब्जी को इस तरह से आइस वाटर में डालते हैं। ये हमारा आइस वाटर है। इस तरह से ये सब्जी हमारी आइस वाटर में रहती है। और इस प्रकार से हम सारी सब्जी इस तरह से ब्लांच कर देंगे। और ये हमारा आइस वाटर है, इससे हम सब्जी इस तरह से निकाल देते हैं। और ये हमारी सब्जी अच्छी तरह से ब्लांच हो चुकी है। और इस तरह से हम सारी सब्जी ब्लांच करते हैं। और दोस्तों ये हमारी सारी वेजिटेबल ब्लांच हो चुकी है। देखो हमने इस तरह से ये ब्लांच करी है। और इस प्रकार से हम ये डाला ऑलिव ऑयल, और ये हमने इसमें गार्लिक ऐड किया तरह से। हम गार्लिक को सोते करते हैं। और ये हमारी इसमें वेजिटेबल यही है, ये डाले हमने ब्रोकली, चुकंदर, कैरेट, बेबी कॉर्न, और इसमें डालेंगे हम बेल पेपर। और ये इसमें हमने डाले चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, सॉल्ट, पेपर, और इसमें हमने डाली है चॉप बेसिल। Thank you.
और दोस्तों ये हमारा सौते वेजिटेबल तैयार हो चुका है और एक गेस्ट के लिए एकदम रेडी है। और दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।